और मोगा जिले में लगातार गुंडागर्दी की घटना सामने आ रही है। बता दें कि मोगा के रेलवे रोड पर एक सीट मेकर की दुकान में अज्ञात चोरों ने घुसकर लोगों के साथ धारदार हथियारों के साथ में दो व्यक्तियों के साथ मारपीट की है। बता दें कि इसके साथ ही दुकान में तोड़फोड़ भी की है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले भी इन लोगों ने दुकान में आकर दुकान मालिक को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना पुलिस को पहले दी गई थी। इस दौरान दुकान में काम करने वाले लड़के गोलू ने बताया कि कल देर रात शाम करीब 9 अज्ञात व्यक्तियों ने हमारी दुकान में आते ही तेज धारदार हथियारों से हम पर हमला कर दिया और हमारी दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। वही यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है, जिसको लेकर कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आए सीगे अज तो 15 दिन पहला भी आए धमकी दे के गए आ, कहिंदे वी कमल नूं मारना वा असी। जिहड़े दुकान ते मुंडे लगे सी उह कहिंदे कमल है नहीं गा दुकान ते, हथियार थियूर लै के आए उह खंडे कृपाना। उह चले गए फिर मुंडे नूं धमकी दे के, कहिंदे वी उहनूं दस दी मैसेज दे दी साडा वी जदों वी मिलिया दुकान ते तेरे मार देणी आ। रात मुंडे आए सीगे 15 दिन पहला भी आए सीगे, उह कह के गए कि कमल कौण आ, असी कहे बई उह चला गया वा, तो उह धमकी दे के चले गए। उदों तो हम कल आए रात के 6 बजे की गल आ, तो आए उन्होंने कोई गलबात नहीं की, सीधा मारन लग गए, कहते कमल कौन आ कमल कौन, मार मार पूछी आ रहे थे। गल तो कोई नहीं हुई, वो पहला भी आए थे अज तो 10-15 दिन पहला भी, 15 तरीक की गल आ, 15 तरीक आए थे सानू इतने पुछते पे थे मुंडा कमल कुरी नाम का कौन आ, वो इस तरह पुछ के तो उस तो सू धमकी दे के चले गए थे, असी कंप्लेट भी की।